सो हे गाइस, व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज आरजे फ्रीक। सॉरी इतने देर बाद आज मैं व्लॉगिंग चालू कर रहा हूँ क्योंकि मुझे निकलना है बैंगलोर के लिए और अभी मैं पैकिंग करने वाला था, तो पैकिंग से लेके पहुँचने तक का भी एक व्लॉग कर लेते हैं। एंड पता नहीं मैं डालूंगा कैसे, ये वाली तो डाल दूंगा क्योंकि आजकल मैं डालूंगा, बाकी मैं पीसी वाला हूँ तो लैपटॉप है नहीं मेरे पास, वहाँ जाके देखना पड़ेगा कैसे अपलोड करना है क्या है। अभी दरवाज़ा खुला था और मेरे कपड़े आ गए, ये धीरे धीरे करके सारे आ रहे हैं, इसमें डाल देते हैं। कैसे डाल रहा हूँ अभी दिखा देता हूँ। ये है मेरा बड़ा सा सूटकेस, वाइड एंगल में भी इतना बड़ा दिख रहा है तो समझ जाओ कितना बड़ा है। इस पर रखेंगे सारा सामान। मैं ऐसे ऐसे दिख रहा हूँ, अभी सो के उठा हूँ और अभी टाइम हो रहा है 7:40 और आज है 28 अगस्त। आज मेरी वर्चुअल ऑनबोर्डिंग थी, ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करनी थी और आईडी वगैरह मिली आज, आईडी मतलब एम्प्लॉय आईडी वगैरह, आईडी कार्ड नहीं, वो वहाँ जाके मिलेगी। 1 सितंबर को मुझे रिपोर्ट करना है, 31 को मैं निकल रहा हूँ यहाँ से फ्लाइट से सुबह सुबह। इतनी पैकिंग हो गई गाइज, यहाँ पे जैकेट्स वगैरह रख दिए मैंने, इसके नीचे घर पे पहनने के कपड़े हैं, इसमें भी कवर के पहनने के हैं, 2 जीन्स यहाँ पे हैं, बाकी जीन्स सब यहाँ पे हैं, ये फॉर्मल्स के ट्राउजर्स, ये फॉर्मल्स के शर्ट्स। एंड भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, ये 15 kg लिमिट है क्योंकि फ्लाइट से जा रहा हूँ मैं। अभी नापूंगा वेइंग मशीन में, देखते हैं कितना हो रहा है, और ज़्यादा हुआ तो शायद निकालने पड़ेंगे मुझे मेरे एक दो जैकेट। एक्चुअली मुझे अभी आ रहा है एक जैकेट और रह गया है मेरा, अब पक्का ज़्यादा हो जाएगा। ये दोनों लेयर पैक हो गई, अब इसको पूरा बंद करते हैं, देन वेट करते हैं इसका कितना है। चलो गाइस देखा जाए, क्या बोलते थे इंतजाम की घड़ी, फाइनल मोमेंट। अबे 21 किलो हो गया ये तो, मुझे मेरे कपड़े कम करने पड़ेंगे। मेरे ख्याल से मुझे इसको खाली मतलब कम नहीं करने पड़ेंगे कपड़े, मेरे पास एक आइडिया आया है, अभी दिमाग में ये आया कि इस पर 15 kg का रहता है अपना जो रखना पड़ता है, दूसरा बड़ा वाला बैग कैबिन बैगेज, देन दूसरा वाला जो रहता है वो उसकी जगह पे ना मैं ये वाला ले जाऊँगा, और इसमें भी हमें 7 kg तक रखने की लिमिट मिलती है, तो ये 15 में से मतलब इसको 15 कर देंगे, जो बचा कुचा रहेगा वो उसमें चला जाएगा, वैसे भी इससे ज़्यादा तो इसमें आएगा और हो जाएगा, पॉसिबल है इसकी चीज़ें इसमें डालते हैं कुछ। लेट्स गो। अभी ये पैकिंग हो गई गाइस, खाना वाना खा लिया, लेकिन इधर यहाँ पे इशू आ रहा है। अब योर पासवर्ड एक्सपायर, टाइप योर अपडेटेड पासवर्ड एंड ट्राई अगेन, उनको मेल डाला है, कल पता चलेगा जो बताएंगे रिप्लाई करेंगे उस हिसाब से, और इनको वे कर लेते हैं अभी एक बार। और अभी गाइस ऑलमोस्ट फाइनल पैकिंग हो गई, थोड़े से कॉट रह गए, कपड़े कम करने पड़े मुझे, मटेरियल थोड़ा हैवी रहता है एंड ये भी थोड़ा सा हैवी, तो ये पहन के जाऊँगा जैकेट एंड शायद इसे निकालना पड़ेगा, कम करने पड़ेंगे जैकेट क्योंकि इसकी कैपेसिटी 7 रहती है। और ये भी कितना हो रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा ही रखना पड़ता है क्योंकि उनके वेइंग मशीन में अलग आता है, अपने में अलग आता है ना, इस सबसे थोड़ा ज़्यादा ही रखना पड़ता है। अच्छा ये मैंने निकाल दिया ना, इसको निकाल रखा है, ये भी रखना है, अभी इसमें भी चीज़ है एंड एक जैकेट फिर आ जाएगा आई गेस, थोड़ा कम ही रखना है 7 के लिए। एंड ये जो है इसकी 15 कैपेसिटी होती है, मशीन का टूट जाएगा, थोड़ा सा टिटेड है बट अप्रॉक्स सही आ जाएगा वेट, टिटेड इसलिए है ना क्योंकि एक साइड फिलहाल है 14, देखा 15 रहता है इसका, थोड़ा सा कम ज़्यादा, थोड़ा सा एक 500 ग्राम से 1 kg कम ही रखना होता है।
और 14.6 आ रहा था थोड़ी देर पहले, अभी 14 आ रहा है रीजनेबल है वो तो। और अभी मेरे को ना इसमें क्रॉक्स डालने हैं तो इसका वेट बढ़ेगा, क्रॉक्स धोने अभी फिर डालते हैं, या फिर अगर इसमें डालने होंगे तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही चाहिए दोनों में, तो इतना ठीक है इसे डालेंगे इसका भी वेट बढ़ेगा। या इतनी फाइनल पैकिंग हो गई ऑलमोस्ट, तो व्लॉग अभी एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सामने देख के करना चाहिए एंड व्लॉग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, आई गेस बैंगलोर में मिलेंगे डायरेक्ट। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।